हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, सामने की ओर मैं दिखा पा रहा हूँ आज आपको अपना डिग्री कॉलेज रामनगर का, जो कि दोस्तों आप जब हल्द्वानी की ओर जाएंगे तो ये हल्द्वानी वाले रास्ते में लखनपुर चुंगी से कुछ इस तरह सामने को आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसकी बाउंड्री काफ़ी अच्छे से डेकोरेट की हुई है, जिसमें कि उत्तराखंड का कल्चर दिखाया गया है। और जैसे कि जिम कॉर्बेट के पास में ये है, तो जिम कॉर्बेट में जो जंगली जानवर हैं उनकी पेंटिंग भी सामने दीवार पर बनाई गई है दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल के नए हैं तो आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो भी अंत तक ज़रूर देखा करें। तो सामने की ओर अभी दोस्तों हम लोग निकल गए हैं कोसी बैराज की तरफ। तो कुछ इस तरह से है कोसी बैराज दोस्तों। अभी मैं कोसी बैराज को इसमें पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहा हूँ। जब इसका एक ब्लॉग बनाऊंगा तो दोस्तों उसमें आपको मैं कोसी बैराज किस तरह से है और किस तरह की यहाँ पे एक्टिविटी होती है, जैसे कि यहाँ पे घूमने के लिए पार्क है, गार्डन बना हुआ है, बच्चों के एक्टिविटी का जो भी है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आप इंजॉय करें इस म्यूजिक के साथ में कोसी बैराज को सामने की ओर, जैसे कि ये नहर है, कोसी बैराज का पानी नहर में सामने की ओर चला जाता है दोस्तों गांव की तरफ। तो इस जगह पर एक सेल्फी पॉइंट है, बट ये ऑन रोड ही है, मगर यहाँ पे रोड फोटो खींचना टफ हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह से लिखा है कोसी बैराज, और सामने की ओर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोसी बैराज, जो कि कोसी नदी के ठीक ऊपर बना हुआ है दोस्तों। ऐसे बहुत कम पानी का लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर लेकर जाऊँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से अभी आपको सामने दोस्तों कोसी बैराज का एंडिंग किनारा जो कुछ इस तरह है। सामने की ओर दोस्तों मेरे राइट हैंड की तरफ ये चला जाता है हल्द्वानी काला ढूंढने वाला रास्ता। तो इस ब्लॉग को यही समाप्त है दोस्तों। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।